Hello friends, subscribe to my channel and also press the bell icon so you will never miss out my any upcoming videos. Hello friends and welcome back to my channel Cut and Stitching Styles. आज हम सीखेंगे सिंपल नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं, उसको हमें बुकरम पर कैसे कटिंग करना चाहिए और उसमें हमें कैसे मार्किंग्स लगानी चाहिए, उसको हमें सूट पर कैसे स्टिच करना चाहिए, किस तरफ रख के स्टिच करने चाहिए और किस तरफ हमें उसे मोड़ना चाहिए, तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बुकरम पर कटिंग करेंगे, तो जिसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पर 9 इंचेस है और विड्थ 7 इंच है। इसको सबसे पहले हमें बीच में से फोल्ड करना है। ये मैंने बुकरम लिया है। अब इस पर आपको अपने नेक की विड्थ का निशान लगाना है। सबसे पहले आपको इसके अपने नेक की चौड़ाई के निशान लगाने हैं। चौड़ाई के निशान हमें इस तरफ से लगाने होते हैं और लंबाई के निशान हमें इस तरीके से लगाने होते हैं। तो जो भी आपकी नेक की चौड़ाई है, यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, इस तरीके से निशान लगाइए। और इसकी लेंथ का निशान इस तरीके से लगाइए, यहाँ पर हमें 7.5 इंच लगाना है और तैयार हमें 7 इंच चाहिए तो 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लगाना है। अब इन लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से 5 इंच डाउन एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे 0.5 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे निशान। और अब इस वाले निशान को हम गोलाई कर देंगे, यहाँ इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। और अब इस तरीके से जो हमने यहाँ पर गुलाई की है, इसी गुलाई को हमें इस तरीके से यहाँ से भी लगाना है। अब इसका हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम लोग 1 इंच ही रखते हैं। तो इस तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगा लीजिए। आपका जो भी शेप है नेक का, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगाइए। अब अपने नेक की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब इस नेक को आपको अपने कपड़े पर लगाना है। ये आपको अपने कपड़े के उल्टी साइड पे लगाना है, इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अपने कपड़े से जोड़ लेंगे, पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब आप यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखकर कपड़े को इस तरीके से, जो आपका नेक का शेप है उसी शेप में आपको ये कपड़ा कटिंग करना है। अब आपको यहाँ पर एक कट लगाना है बीच में, जहाँ पर जहाँ भी आपकी गुलाई वाला हिस्सा आता है वहाँ पर आपको कट लगाना है, छोटा कट इस तरीके से। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये कपड़ा अच्छे से अंदर की तरफ पलट जाए इस तरीके से और दूसरी साइड हमारा फिनिशिंग के साथ गला बने। तो अब हम इसकी इस तरीके से अंदर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब आपका अगर यहाँ से जो भी एक्सेस कपड़ा अगर आता है तो उसको आप इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है बट हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। आपको अपने नेक का सेंटर करना है, इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड कीजिए।
ये पल्ले आपके दोनों बराबर होने चाहिए और बीच में एक छोटा सा कट लगाइए। इस तरीके से हम अपने नेक को सेंटर करते हैं। इसी तरीके से हम अपने गले, जहाँ पर सूट के गले पे भी इसी तरीके से हमें सेंटर करना है। तो इस तरीके से बीच में से फोल्ड कीजिए अच्छे से। ये सारे पल्ला आपका एकदम बराबर होना चाहिए और यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको कट लगाना है। अब सूट की सीधी साइड आपको ये अपना नेक लगाना है। ये हमारे सूट की उल्टी साइड है। इस तरीके से इसको खोलिए। और इसके सीधे साइड आपको अपना ये नेक लगाना है इस तरीके से। ये दोनों आपके सेंटर मिलने चाहिए। सबसे पहले हम इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे इसके सेंटर के लिए, जिससे कि हमारा गला इधर उधर नहीं होगा और बीच में सेट रहेगा। अब हम अपने गले के लिए सिलाई लगाएंगे। गले के लिए आपको बिल्कुल बुकरम के पास में एकदम सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के एकदम साइड साइड में आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है चारों तरफ। अब आपको इसके बीच का एक्सेस कपड़ा कटिंग करना है, बट ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के कपड़ा कटिंग करना है। अब आपको गले के कोनों पर और गुलाई वाले हिस्सों पर इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और कट्स आपको इतने ही लगाने हैं कि आपकी सिलाई ना कट जाए जो आपने अभी लगाई है। ये कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये कपड़ा अपना गला अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर सकें इस तरीके से। अब इसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई छोटी करके आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये हमने छोटी सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड में हम सिलाई बड़ी कर कर सिलाई लगा लेंगे ताकि हम तुरपाई आसानी से कर सकें। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक बनकर तैयार है। आई होप कि आपको नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग समझ आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना को ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, खुदा हाफिज़।